नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी। मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल पर विज़िट करें। थैंक यू। आज हम मॉर्फी रिचर्ड्स प्रॉन्टो डिलक्स हैंड ब्लेंडर का डेमो देखने वाले हैं और अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं। ये मॉर्फी रिचर्ड्स प्रॉन्टो डिलक्स हैंड ब्लेंडर 2 साल की वारंटी के साथ आता है। आइए अब इसे अनबॉक्सिंग करेंगे। इस हैंड ब्लेंडर की मोटर का पावर है 300 वॉट्स। इसकी एसएस ब्लेड स्टेनलेस स्टील की है और मल्टी फंक्शनल है। इस हैंड ब्लेंडर की एमआरपी है 1600 रुपये, लेकिन ये मैंने लोकल शॉप से 1300 में ख़रीदा है और ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर 1200 में उपलब्ध है। इसका जो ब्लेंडिंग अटैचमेंट है वो स्टेनलेस स्टील का है और डिटैचेबल है, फिर इजी टू लॉक है और इजी टू क्लीन है। ये देखिए, इस ब्लेंडिंग अटैचमेंट को लॉक और अनलॉक करना बिल्कुल ही आसान है। इस हैंड ब्लेंडर की मोटर को ऊपर एक छोटा सा वॉल हैंगर है, जिससे इस तरह से वॉल पे हैंग करने में आसानी हो जाती है। इसकी कॉर्ड की लेंथ 1 मीटर तक है और ये है इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल और 2 साल का वारंटी कार्ड। ये है हैंड ब्लेंडर का ऑन ऑफ बटन। अब जानेंगे मॉर्फी रिचर्ड्स प्रॉन्टो डिलक्स हैंड ब्लेंडर आपके किचन के क्या क्या काम कर सकता है। इस हैंड ब्लेंडर का ब्लेंडिंग अटैचमेंट स्टेनलेस स्टील है, इसलिए हम इसे हॉट सूप्स ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैंड ब्लेंडर मैं पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जो टोमेटो सूप है उसको ब्लेंड करने के लिए। पहले सूप बनाते वक्त वेजिटेबल्स को पकाने के बाद मुझे ठंडा होने तक रुकना पड़ता था और फिर मिक्सी में डाल के उन्हें पीसना पड़ता था। तो अब ये ब्लेंडर का ब्लेड स्टेनलेस स्टील है तो गरम ही मैं ये वेजिटेबल्स आसानी से ब्लेंड कर सकती हूँ एक बर्तन में। तो सूप बनाने का काम इस ब्लेंडर की वजह से अब बहुत आसान हो रहा है। ब्लेंडर इस्तेमाल करने के लिए आपको वो सीधा जो आपके वेजिटेबल्स है उसमें डीप करना पड़ेगा। ब्लेंडर का जो ब्लेड है वो आपके वेजिटेबल्स के अंदर होना चाहिए, जिससे कि आप ऑन ऑफ करोगे तो वेजिटेबल्स के छींटे इधर उधर नहीं उड़ेंगे। इसलिए बर्तन थोड़ा गहराई वाला ले, हॉलो जार ले। यहाँ पर मैं पालक जो है उसका ब्लेंडिंग कर रही हूँ, पालक सूप बनाने के लिए। इस ब्लेंडर को इस्तेमाल करने के लिए इसका जो बटन है वो मैं ऑन ऑफ करके इस्तेमाल करती हूँ। 1 मिनट काफ़ी है इस इतना क्वांटिटी का वेजिटेबल्स ब्लेंड करने के लिए। इस ब्लेंडर को अगर आप कंटिन्यूस 1 से 1.5 मिनट तक इस्तेमाल करते हैं तो इसका मोटर गर्म हो जाता है। फिर से इस्तेमाल करने के लिए आपको फिर ये मोटर ठंडा होने तक रुकना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली 1-1.5 मिनट में ही आपका सूप का ब्लेंडिंग या फिर स्मूदीज़ का मिक्सचर रेडी हो जाता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के बाद क्लीन करना बहुत ही आसान है। आपको ऑफ़ करना है मोटर और ये जो स्टेनलेस स्टील का ब्लेंडिंग ब्लेड है वो डिटैच करना है अनलॉक करके, और फिर रनिंग टैप के नीचे इसे धोना है सोप से।
धोने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखाइए और उसके बाद फिर से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे छोटे से कुकर में ही मैं ये डायरेक्ट सूप को ब्लेंड कर रही हूँ। इसमें गाजर, टोमेटो, लहसुन है और इसे मैं थोड़ा गरम ही ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन मैं ये ख्याल भी रख रही हूँ कि इसकी मोटर की जो प्लास्टिक बॉडी है वो कुकर को टच नहीं होनी चाहिए। गरम कुकर को टच होने की वजह से ये प्लास्टिक मोटर डैमेज हो सकता है, तो ये सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। इस ब्लेंडर का इस्तेमाल करके हम मिल्क शेक्स बना सकते हैं, आसानी से स्मूदीज बना सकते हैं और घर में ही घी भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ एग्स को बीट कर सकते हैं, क्रीम जो होती है उसे व्हिप कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स, पीनट्स और मशरूम्स, इस तरह की चीज़ें भी हम इसमें ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपको शेंगदाना की चटनी बनानी है तो आप ब्लेंडिंग करके आसानी से इसे बना सकते हैं। और अगर आपको घर में ही घी बनाना है तो दही में ब्लेंडिंग करके फेंटते वक्त थोड़ा सा आइस मिलाइए, जिससे कि बटर निकलना आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पपाया के पीसेस मैंने एक हॉलो जार में डालकर मैं इन्हें ब्लेंड कर रही हूँ और मैं पपाया की स्मूदी बना रही हूँ। इसमें मैंने आइस क्यूब्स मिलाए हैं और दोनों साथ में आसानी से ब्लेंड हो रहे हैं और आपको कोल्ड स्मूदी पीने के लिए एक मिनट में मिल जाएगी। बिना दूध के फ्रूट्स की आप स्मूदीज बना के ब्रेकफास्ट में पी सकते हैं, ये एक हेल्दी ऑप्शन है और ब्लेंडर की वजह से ये प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाती है। तो ये था मॉर्फी रिचर्ड्स प्रॉन्टो डिलक्स हैंड ब्लेंडर का अनबॉक्सिंग, प्राइस और डेमो। हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल करके और भी कई मैं रेसिपीज़ बनाऊंगी, जिसकी वीडियोस मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। तो देखते रहिए मेरा चैनल रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।